मेरे सिपाही लड़ते लड़ते थक गए थे, इसीलिए ऐसा किया। दुकास के लश्कर को जब हम मुंतशिर कर देंगे तो फिर उसे खत्म करना आसान होगा। अगर अल्लाह ने चाहा तो हम जरूर कल ऐसा ही करेंगे सुल्तान। आज आपने अपनी बहादुरी और अज़्म से उन्हें रोका है। इस्लाम के ये दुश्मन कल नहीं होंगे, मुझे कोई शक नहीं उस्मान साहब। मेरे सुल्तान, आपके लिए पैगाम आया है। एक बुरी खबर है, वो कारामान कूनिया की तरफ जा रहे हैं। अगर मैंने कूनिया वापस जाकर उन्हें ना रोका तो कूनिया तबाह हो जाएगा, और अगर मैं लौट गया तो आप कमजोर हो जाएंगे बाज़ंतीनियों के खिलाफ। लेकिन अगर आप इस तरह लौट जाएंगे तो जंग का अंजाम बदल जाएगा मेरे सुल्तान। आप क्या सोच रहे हैं उस्मान साहब? सुल्तान, अगर तो ऐसी सूरत हाल है तो कोनिया चले जाना चाहिए आपको वापस। दुकास और निकोला से कैसे निपटेंगे आप उस्मान साहब? मेरे सरदारान और मेरे गाजी दुकास के अहनी लश्कर को शिकस्त देने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप कोनिया वापस नहीं जाते हैं तो आपकी रियासत पर एक बहुत बड़ी आफत आ सकती है। वापस आऊंगा, मेरी ताकत और इख्तियारात के कायम मकाम उस्मान साहब। और आपके होते हुए मुझे रियासत की कोई फिक्र नहीं उस्मान साहब। मेरी तलवार और इस रियासत का वकार अब से आपके हाथ में है उस्मान साहब। शुक्रिया।